ये दो तस्वीरें बदलते कश्मीर की नई झलकियां हैं। यहां पर अब रौनक है, खुशहाली है, भय मुक्त हो रहा है कश्मीर। ये तस्वीरें कश्मीर की बदलती फिजा का सबूत हैं। यहां पर लोग अब अपने त्योहारों को बिना डर के मना सकते हैं। यहां पर अपनी संस्कृति का बखान करने वाले कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं। कश्मीर की अनोखी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अब यहां के लोग भी कमर कसकर तैयार हैं। ऐसा पहली बार देख रहा हूं कि जहां पे हम सब मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के आर्ट और कल्चर को। अब हमारे पास यही तो रहता है कि हमारी जो आर्ट है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो तहजीब है, हमारे जितने भी विधा से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म देने चाहिए और उनको प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। ज़्यादातर यंग ही इसमें आ रहे हैं, जितने भी पार्टिसिपेशन है वो यंग ही आ रहे हैं। तो अगर हमें यूथ को एम्पावर करना है तो हमें कल्चर आर्टिस्ट्स पर भी बहुत फोकस रखना है। इस खुशहाली के साथ ही कश्मीर की आर्थिक खुशहाली के लिए भी सरकार अब योजनाओं की बौछार कर रही है। जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास और इस केंद्र शासित प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही यहां पर लाखों रोजगार पैदा करने की सरकार योजना बना रही है। इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिससे व्यापार करने में ज्यादा आसानी होगी और चौतरफा पारदर्शिता आएगी। देश भर की औद्योगिक नीतियों को एक कंपेरेटिव एनालिसिस करकर और वहां पर वहां के पोर्टल पर जो कंप्लेंट्स थे, जो इसके कंप्लेंट्स का स्टडी करकर जितनी भी क्षति थी और सारी क्षतियों को पहले से ही दूर करकर ये औद्योगिक नीति को बनाया। कश्मीर का विकास इतना बड़ा छलांग ले सके ऐसी पॉलिसी बनाने का काम माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पे, उनके आशीर्वाद से लिया गया और आज उसको बड़ा सरल बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए, जनता को, उद्योग को एक सरल तरीके से इसके लाभ लेने के लिए उसका ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। सरकार को भरोसा है कि इस कदम से जम्मू कश्मीर के हथकरघा, हस्तशिल्प और रेशम जैसे उत्पादों को अब वैश्विक बाजारों में पहुंचाने में ज्यादा मदद मिलेगी। साथ ही कश्मीर में निवेश की रफ्तार भी बढ़ाई जा सकेगी।